मतलब 18 साल की हो जाएगी जब वोट देने केवल, तो किनको वोट करेगी? मुख्यमंत्री जी को? ये कौन सा छाप में सर? कमल फूल आती सरकार है इसीलिए? नहीं सर, जरूरी थोड़ी ना है, आदिवासी सरकार है तो आदिवासी में ही देंगे, जो अच्छे लेंगे उसी को ना देंगे, जो इतना देश के लिए ऐसा झारखंड के लिए ऐसा कर रहा है तो उसी के लिए ना देंगे सर, झारखंड के लिए कर रहे हैं। जोहार साथियों, जैसा कि आज अभी गिरिडीह के झंडा मैदान में इस वक्त झारखंड के मुखिया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी शिरकत किए हुए थे। अब वह आवास योजना इस वक्त चर्चा का विषय रहा। पिछले बार भी जो है सुहवी थी, लेकिन पिछले बार जो है आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार में जो है पेंशन को लेके भी चर्चा में था, इस बार अबुआ आवास को लेके है। पब्लिक हमारे पीछे है, देखने जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। इस वक्त देख सकते हैं कृषि विभाग में भी काफ़ी यंत्र जो है किसानों को वितरण किया गया है, और इधर वन पर्यावरण विभाग में भी पौधे देख रहे हैं, छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी हैं। हम सबसे पहले बच्चियों से जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहती है आज माननीय मुख्यमंत्री जी को लेके। जी, आप लोग कौन से स्कूल से हैं? सरजेसी बोस सर। सरजेसी बोस की है। ये पौधा कहाँ से मिला? यहाँ से सर। कौन दिए? सर लोग हैं, वही लोग दिए हम लोग। क्या नाम हुआ? सिमरन परवी। और आपका? सरिता मरांडी। सरिता मरांडी। सरिता जी, आप ये बताइए कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, कैसा लगा उनके अभिभाषण को सुन के? सर बहुत अच्छा लगा उसका बात सुन के, गर्व। अच्छा, आपको क्या लाभ मिला? सर लाभ तो हम छुट्टी टाइम 3 बजे हम लोग आए स्कूल से, तो उस दिन हमको पता चला कि यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा, पहले ही पता चल गया था हम लोग को कि हेमंत सोरेन आने वाले हैं, मुख्यमंत्री आने वाले हैं। तो फिर हम लोग सब, हम लोग छुट्टी हुआ 3 बजे, वहाँ अंदर में भी लगा हुआ था, वहाँ पे हम लोग देखे, और 3 बजे छुट्टी हुआ हम लोग, तो फिर हम 3 बजे हम लोग यहाँ पे आए। सर बोले सब लोग चले जाओ ग्राउंड में, तो हम लोग यहाँ आए, तो हम बस थोड़ा बहुत सर का भी सुने बोले। अच्छा, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला आप? यस। नो, लाभ ले रही है? यस सर, ले रही है। यस सर। कौन सी क्लास में? 12th में सर। 12th में हो, चलो बहुत बढ़िया। और आप? 9th में हो। यस। क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री जी को लेकर? बहुत अच्छा लगा सर उनसे मिल। बहुत अच्छा लगा? यस सर। मतलब 18 साल की हो जाएगी जब वोट देने केवल, तो किनको वोट करेगी मुख्यमंत्री जी को? ये कौन सा छाप में सर? कमल फूल या तीर छाप? सर अभी तो ये सब के बारे नहीं सोचे, क्योंकि अभी वैसा कुछ नहीं रहा है, इसीलिए छाप में। यस सर। क्यों? अब आदिवासी सरकार है इसीलिए? नहीं सर, जरूरी थोड़ी ना है, आदिवासी सरकार है तो आदिवासी में ही देंगे, जो अच्छे लेंगे उसी को ना देंगे, जो इतना देश के लिए ऐसा झारखंड के लिए ऐसा कर रहा है तो उसी के लिए ना देंगे सर, झारखंड के लिए कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत से पब्लिक है, हम उनसे भी रिव्यू लेने का प्रयास करेंगे। इस वक्त और भी तस्वीरों में स्पष्ट आप देख सकते हैं, काफी दीदी लोग भी हैं, वो पौधों को लेके जा रही हैं। आखिर में ये पौधा पैसे से मिला या मुफ्त में मिला? मुफ्त में मिला है। मुफ्त मिला है, किस उद्देश्य से लेके जा रहे हैं? सरकारी उद्देश्य। इधर देखिए ना दीदी, थोड़ा सा इधर कैमरे तरफ, कैमरे तरफ चलिए। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त जो है कृषि यंत्र को भी काफी मात्रा में मशीनें रखी हुई है, और छोटी छोटी ट्रैक्टर्स वगैरह जो किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है। इधर सोलर पैनल भी रखा हुआ, सोलर सिस्टम भी है। किन किन किसानों, किन किन लाभुकों को मिला है, हम जानने का प्रयास करते हैं। लाभुक किधर हैं? थोड़ा सा हम, आप हैं, क्या नाम हुआ? लाभुक नहीं है हम, तो विभाग से सब्सिडी पे ये सब इम्प्लीमेंट्स दिया जाता है, जिसके बारे में किसान को जानकारी दिया जाता है। अच्छा। और किसानों को बताया जाता है, योजना चालू होने से पूर्व में किसान को बताने के लिए यहाँ पे स्टॉल लगता है, ताकि वो किस हिसाब से अपना एप्लीकेशन जनरेट करके जमा करेंगे, जमा करने के बाद वो कहाँ पे जाएंगे, ताकि उनको सुविधा हो, हर जगह दौड़ना नहीं पड़े, एक जगह पे उनको सारा चीज यहाँ पे बता दिया जाता है, सारे विभाग का यहाँ पे स्टॉल लग जाता है। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं किसानों के लिए सबसे फायदेमंद चीज जो है वो सोलर सिस्टम है, जहाँ से वो सिंचाई कर सकते हैं किसान। क्या उसकी प्रक्रिया है, थोड़ा ये बताएं, कितनी लागत है और किसानों को कितना अंशदान देना पड़ता है? जैसे सोलर सिस्टम के लिए अलग अलग विभागों से अलग अलग सब्सिडी की प्रक्रिया है। अच्छा, कृषि विभाग से? कृषि विभाग के अंदर में भूमि संरक्षण विभाग आते हैं, भूमि संरक्षण विभाग से 90% पे पेपर में निकलता है, पेपर से किसान लोग उसका वो देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वो ब्लॉक लेवल पे जाकर अप्लाई करते हैं, उन लोगों का जितना फॉर्म वगैरह है वो ब्लॉक से जिला आता है, जिला से फिर उन लोगों को फोन करके उन लोगों को घर पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। यानी कि कृषि विभाग का जो ऑफिस है प्रखंड स्तर पे, हाँ।
बीपीएम ने क्या बोलते हैं उनको, डीओ वहाँ जमा होती है ना, राइट, जमा उस ब्लॉक में होती है। हाँ। किसान अपने एप्लीकेशन को ब्लॉक लेवल पे जमा करते हैं, ब्लॉक से ऑटोमेटिक जिला आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता। हाँ, उनको नहीं दौड़ना है। अच्छा, क्या लागत होती है उसकी? 1,25,000 रुपया, 1,20,000 रुपया सब कंपनी टेंडर डालती है, जितनी भी कंपनी है, जैसे इसकी कोई एक कंपनी नहीं है, 8 कंपनी 5 कंपनी 7 कंपनी जो भी कंपनी इसके लिए टेंडर डालती है, टेंडर का रेट अप्रूव होता है, लाभुक स्वेच्छा से किसी भी कंपनी का पसंद करके उसका जो फार्मर शेयर है वो अपना जमा करते हैं, बाकी अंशदान का पैसा जो है। कितना फार्मर शेयर है, क्या अंशदान है? अभी इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चालू है, टेंडर जब हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा उसके लिए कुछ। अभी तो होगा ना? अभी टेंडर नहीं है उसका। लगभग कितना? 1,20,000-25,000 रुपया, लगभग 20,000 रुपया लगभग लाभुक को लगता है, और जेरेडा से जो ये लगती है उसमें 5,000-7,500 रुपये का उनको डीडी जमा करना पड़ता है, जेरेडा से सोलर पंप सेट ऑलरेडी किसान का घर पे इंस्टॉल हो जाता है। आने की यूं कह सकते हैं कि 90% या 90% मैक्सिमम 1,00,000 सब्सिडी किया हुआ है। 1,00,000 ना? हाँ, मैक्सिमम 1,00,000 आने की 10% सब्सिडी अंशदान से देना। हाँ, और ये जेरेडा से 7,500-5,000-10,000 तीन यूनिट में बटती है, उसमें 2 HP 1 HP की है स्पेसिफिकेशन, उस तरह से जेरेडा से ये लोग ड्राफ्ट जमा करते हैं और किसानों को मिल जाता है। जी, किसान को मिल जाता है। हाँ, जेरेडा खुद से इंस्टॉल करती है, ये भी गवर्नमेंट की ही जेरेडा है। हाँ। वो खुद इंस्टॉल किसानों के घर पे करती है। जी जी, जेरेडा जी, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी है ना, राइट। तो किसानों के लिए ये फायदेमंद चीज़ है कि किसान अगर वो चाहें तो सोलर से संचालित जो वाटर पम्प है वो, या फिर डीजल का पम्प है पेट्रोल का, वो जो है अपनी सब्सिडी दर से वो उठा सकते हैं, जैसे कि कंपनी का जिस तरह से टेंडर है वो है। हालांकि ये गवर्नमेंट की योजना है, वो 10% अंशदान देना होता है किसानों को, और किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कई जगह पे देखने को मिला है तस्वीरों में कि वहाँ से काफ़ी किसानों को लाभ भी है। तो तस्वीरों में देखिए कि झारखंड सरकार आज जो है गिरिडीह के झंडा मैदान में शिरकत किए, और शिरकत करने के बाद करोड़ों रुपये की परिसंपत्ति का वितरण हुई, योजनाओं का हुआ शुरुआत हुई। आज चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ग्रुप की दीदी लोग हो, चाहे वो किसान हो, सबों के बीच कुछ ना कुछ वितरण हुई है। हालांकि हर वर्ष सरकार जो है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, गिरिडीह से क्या लगाव है, क्या प्रेम है ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष किसी न किसी चीज़ को लेके गिरिडीह की धरती पे शिरकत कर जाते हैं। खबरों के लिए जुड़े रहे आईना प्लस के साथ, सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, जोहार।